कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो आज के एपिसोड का मकसद ये रहेगा कि नरगी गांटे के आर्मर का सारे पार्ट्स मैं क्राफ्ट करूं। तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर मैं फोर्ज इक्विपमेंट में जाऊँ और आर्मर पे जाऊँ तो नरगी गांटे बीटा उस आर्मर के सारे पीसेस में क्राफ्ट करना चाहता हूँ। और स्पेसिफिकली नरगी गांटे बीटा आर्मर मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें तुम देख सकते हो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल नरगी गांटे हेलमेट में यहाँ पर मुझे 2 लेवल 1 स्लॉट्स मिल रहे हैं और नरगी गांटे अल्फा में मुझे सिर्फ 1 लेवल 1 स्लॉट मिल रहा है प्लस 1 अटैक बूस्ट मिल रहा है। तो कहने के लिए ये भी कह सकते हैं कि मैं नरगी गांटे अल्फा क्राफ्ट करके 1 अटैक ज्वेल भी लगा सकता हूँ, बट मुझे कस्टमाइजेशन के लिए अगर थोड़ी और जगह चाहिए तो नरगी गांटे बीटा थोड़ा बेटर चॉइस हो सकता है। और सेम चेस्ट पीस में भी सेम ही चीज़ है, नरगी गांटे बीटा आर्मर पे 1 लेवल 2 स्लॉट मिल रहा है जबकि अल्फा में सिर्फ 1 लेवल 1 स्लॉट है। ठीक है, तो यार अगर तुम्हें याद होगा तो नरगी गांटे का क्वेस्ट एक बार मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और इस प्रोसेस को थोड़ा और तेज़ करने के लिए 2 चीज़ कर सकते हैं। पहला कि क्वेस्ट में जा करके हेल्प बुला सकते हैं, यानी कि क्योंकि मैं मल्टीप्लेयर खेल रहा हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ, मैं क्वेस्ट में एंटर करके हेल्प बुला सकता हूँ। या फिर मैं अगर जॉइन क्वेस्ट में जाऊँ, मैं सर्च करूँगा अगर कोई तो भी ऑप्शनल क्वेस्ट होगा कि नहीं। तो अगर मैं ऑप्शनल में जाऊँ प्रिटी इन पिंक, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, असाइंड में जाकर देखूँ तो भी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल क्वेस्ट में जाकर देखूँ तो भी अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ एक ही तरीका है, मैं खुद क्वेस्ट में एंटर करूँ और उसके बाद क्वेस्ट में हेल्प बुलाऊँ, राइट। तो 2 तरीके से वो चीज़ हो सकती है। पहला वो है, पहले तो मुझे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह एंटर करने पड़ेंगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं ना, लिफ्ट में जाता हूँ और मैं ट्रीडियार्ड पे जाता हूँ। क्योंकि क्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं जिससे रिवॉर्ड वगैरह तुम इंक्रीज कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पर रिसोर्स सेंटर में जाता हूँ, इसकी बातों को स्किप करते हैं क्योंकि इसकी बातें यूजुअली रिलेटेड रहती है बचे खुचे रिवॉर्ड वगैरह से, फिर बचे खुचे बाउंटीज वगैरह से। तो रिसर्च सेंटर में जाके मैं क्लिक करूँगा मैनेज इन्वेस्टिगेशंस पे। तो यहाँ पर जो तुम देख सकते हो ना वो इन्वेस्टिगेशंस है, वो ऑप्शनल क्वेस्ट नहीं है। कुछ ऐसे क्वेस्ट है जो बेसिकली थोड़े ज़्यादा रिवॉर्ड वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि साइड में तुम हर क्वेस्ट के देख सकते हो 2 सिल्वर रिवॉर्ड है और 1 ब्राउन रिवॉर्ड है, यहाँ पर 1 गोल्डन है और 2 सिल्वर है। तो गोल्डन जो है वो सबसे टॉप टीयर का रिवॉर्ड है और ब्राउन वाला जो है या फिर ब्रॉन्ज जो है वो सबसे बॉटम टीयर रिवॉर्ड है और सिल्वर यानी सिल्वर रिवॉर्ड है। ओके, तो मुझे करना है नरगी गांटे का क्वेस्ट सर्च, तो मैं सॉर्ट करूँगा, टारगेट पे क्लिक करूँगा और देखूँगा नरगी गांटे अवेलेबल है कि नहीं। और यहाँ पर देखकर लग रहा है कि नरगी गांटे अवेलेबल है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शनल क्वेस्ट से भी क्वेस्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, या फिर एक बार इवेंट में भी जाकर देखता हूँ कि नरगी गांटे का कोई क्वेस्ट अवेलेबल है कि नहीं। पेज 1 पे तो नहीं लग रहा, पेज 2 पे भी नहीं लग रहा, पेज 3 पे भी नहीं। ठीक है, ऑप्शनल क्वेस्ट ही करते हैं, ईटर्स ऑफ द एल्डर्स क्वेस्ट में हो जाऊंगा एंटर। तो लास्ट टाइम याद होगा मैंने इंसेक्ट यूज किया था, वैसे नरगी गांटे के लिए इंसेक्ट ही यूज करना सबसे अकलमंदी वाली बात है, लेकिन एक बार चार्ज ब्लेड से भी कोशिश कर ही लेते हैं, देखते हैं हंटिंग पैटर्न और वेपन पैटर्न से, हंटिंग पैटर्न और वेपन पैटर्न्स का मुझे कितना ज़्यादा नॉलेज है, कभी कभी खुद को भी टेस्ट कर लेना चाहिए। एनी हाउ फिर से गलत जगह पर उतारा है विंग ब्रेक ने, खैर कोई दिक्कत नहीं, यही मौका लूँगा मैं इन माइनिंग नोड्स को हार्वेस्ट करने के लिए और इससे मुझे मिलता है एडवांस आर्मर स्पीयर जिससे मैं
इंक्रीज कर सकता हूँ अपना आर्मर का डिफेंस। तो फिर से मैं चल दूंगा कैंप पे। एज यूजुअल सबसे पहले मैं करने जाऊंगा मील। राइट, तो हेल्प बुलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने ऐसे रेडियल मेन्यू पे जाऊंगा और यहाँ पर मेरा जो हेल्थ का बार है फायर SOS फ्लेयर वो नीचे की तरफ है, तो मैं यहाँ पर जाके अपना बटन छोड़ दूंगा और यहाँ पर मैंने हेल्प डाल दिया है। तो चांसेस है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो मेरी हेल्प करने आए, शायद ना भी आए। तो ये बेसिकली एक कॉल फॉर हेल्प है कि कोई भी अगर दूसरा बंदा ज्वाइन क्वेस्ट में क्लिक करेगा तो उसको तुम्हारा SOS दिख जाएगा, और तुम्हारा SOS अगर उसको दिखा तो वो तुम्हारी हेल्प करने आएगा। होपफुली यहाँ पर मेरी कोई हेल्प करने आ जाए, क्योंकि अगर अकेला लड़ना है तो कुछ बुराई नहीं है उसमें, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंजप्शन होगा उसके लिए। तो अभी तलाशना है नरगी घाटे को, जो कि सामने ही है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर तुम्हें याद होगा लास्ट एपिसोड में इसके गुफा का दरवाज़ा खुलवा दिया था कट सीन पे ही। बहुत तेज दहाड़ थी इसकी। फिर से फॉल बैंक होगा शायद, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसके पूंछ को कर देता हूं मैं टेंडराइज। इसके पिछले पैर को मैं टेंडराइज कर नहीं सकता, हाँ मेरा मॉन्स्टर वहां पर ग्रैब ही नहीं कर रहा, बुरा डैमेज। कोशिश करता हूँ उसके हाथों को टेंडराइज करने की। मौका रहते ही खुद को हील कर लूंगा। उसके पैरों के हिटबॉक्स पे लग गया मैं। बढ़िया ब्लॉक, इससे पहले और डैमेज पड़े मैं खुद को हील कर लेता हूं। रोल करते टाइम पर भी ओके। चलो एक अच्छा डैमेज गया इस सीरीज में। फिर से गार्ड, नाइस। और बार पैरालिसिस के टाइम पे हिट तो करना चाहिए, लेकिन क्योंकि शार्पनेस कम हो गई थी इसलिए मुझे नहीं लगा हिट करना सही डिसीजन होगा। ओ देखा वहां पर उसने क्या किया, पैरों को गार्ड करके उसने मेरे पर कांटे फायर करे। बहुत ही बढ़िया टाइम पे उसको स्टन किया। सैवेज एक्स रेडी है, मौका है भरपूर डैमेज देने का।
और ये आ चुका है इसको पूरी तरीके से गुस्सा। बहुत ही किस्मत से अच्छे डॉज लग रहे हैं और किस्मत जल्दी ही खत्म हो गई। तो यार पहला फेज खत्म हो चुका है, अब ये दूसरे लोकेशन पे जा रहा है। होपफुली कुछ और स्टंट्स मिल सके, कुछ और राइड्स मिल सके, लेकिन उसी टाइम पे चार्ज ब्लेड भी एकदम चार्ज होना चाहिए ताकि सैवेज एक्स फिर से चला सकूं। ओके तो यार इस हिट से मुझे एक बार लग जाती तो मैं एक ही बार में शायद खत्म हो चुका होता। शील हो चुकी है चार्ज। बहुत बड़ा डैमेज है यार। काफी जल्दी कमजोर हो गया एनर्जी घाटे। तो अगर थोड़ी देर में रुक जाऊं तो होपफुली ये थक करके वापस से नहीं नाइस बढ़िया एलिमेंटल डिस्चार्ज। तो जाने देते हैं इसको और वेट करता हूं इसको वेकअप हिट देने का, क्योंकि मेरे पास चार्ज ब्लेड है जो कि फुली चार्ज है। होपफुली चार्ज खत्म ना हो इसके पहुंचते पहुंचते, होना तो नहीं चाहिए पर देखते हैं। और ऑलमोस्ट पहुंच चुका है वो अपने अड्डे पे और मेरा धीरे धीरे चार्ज खत्म हो ही जा रहा है। म्यूजिक एंड हो चुका है इसका मतलब वो सो चुका होगा। नाइस तो पोजीशन ले लेता हूं मैं। ग्रेट शॉट नाइस। टाइम रहते इसके पैरों को मैं कर लेता हूं टेंडराइज और नरकी गांठे खत्म। बुरा मैचअप नहीं है चार्ज ब्लेड, बस कुछ हिचकिचाहटें थी। इंसक्लिप में जैसे मिड एयर में डॉच कर पा रहा था वो यहां पर मैं कर नहीं सकता। थोड़ा डिफेंसिव खेलना पड़ा मुझे बट बढ़िया है। और इनफैक्ट हेल्प के लिए भी कोई नहीं आया। तो यार मैं ये एक और बात बता दूं कि एल्डर ड्रैगन्स जो होते हैं, एल्डर ड्रैगन्स उनको पहचानना बड़ा आसान होता है। उनके यूजुअली चार पैर होते हैं, पहले के दो और पीछे के दो, और दो पंख होते हैं, या फिर उनका डिज़ाइन बहुत ही अलग सा रहता है। एल्डर ड्रैगन्स की यूजुअली यही पहचान होती है और एल्डर ड्रैगन्स कैप्चर नहीं किए जा सकते चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। एल्डर ड्रैगन्स कैप्चर नहीं होते, तो इसका ये मतलब है कि हर हंट में जो जाते हैं तो एल्डर ड्रैगन्स को हमेशा मरना ही पड़ता है। बहुत कम लूट मिली है इस बार, खैर कोई दिक्कत नहीं। फिर से स्मिथि के पास जाकर देखते हैं अगर कुछ आर्मर वगैरह मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं। फॉर्ज इक्विपमेंट आर्मर अभी तक कुछ अनलॉक हुआ नहीं है,
तो सबसे पहला जो मैं अनलॉक कर सकता हूँ वो मुझे लग रहा है शायद से वेस्ट पीस, क्योंकि यहाँ पर चाहिए नर्गिगांटिक कैरापेस और इमोर्टल ड्रैगन स्केल। तो कैरापेस मुझे और दो पीसेस चाहिए और ड्रैगन स्केल और एक पीस चाहिए, तो पॉसिबली ये सबसे पहले क्राफ्ट होएगा। ठीक है, तो चल लेते हैं फिर से क्वेस्ट पे। जॉइन में देखते हैं अगर किसी ने क्वेस्ट डाला हो कि नहीं। ऑप्शनल ईटर ऑफ द एल्डर्स, तो यार किसी बंदे ने क्वेस्ट डाल रखा है तो इसी के क्वेस्ट को मैं ज्वाइन कर लूंगा। नाइस, वेपन्स चेंज कर लेता हूँ मैं। इस बार मैं यूज करना चाहूंगा लॉन्ग सॉर्ड। तो देख सकते हो बंदा चाइनीज है इनको कुछ भी बोलो क्वेस्ट के बीच में समझ आता नहीं है। और अच्छा हुआ मेरा वॉइस चैट अभी ऑफ हो रखा है, बहुत ही गलत जगह पर मुझे लैंड करवाया है इसने। मैं मील भी नहीं कर सकता, तो मैं एक बार फिर से अपने कैंप में जाऊंगा और एक मील करके आऊंगा, नहीं तो उसके एक ही शॉट पे मेरा गेम ओवर हो जाएगा। तो मील कर लेता हूं मैं शेफ्स चॉइस प्लेटर, और इस बार काफी सारे स्टैट बूस्ट मिले हैं मेरे को, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यार देख सकते हो वो साइड में बंदा कुछ बोल रहा है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर वो एक ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, कोई तो भी ऑटोमेटिक मैसेज हो सकता है, जो अगर तुम मॉन्स्टर पर राइड करो तो कुछ ऑटोमेटिक मैसेज आ सकता है, जिसके बारे में मैं तुम्हें इस क्वेस्ट के बाद बताऊंगा। अगर तुम मॉन्स्टर को टेंडराइज करते हो तो उसके लिए भी कोई ऑटोमेटिक मैसेज आ सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सेटिंग्स हैं जो चेंज कर सकते हैं। तो ये बंदा यहाँ मौजूद है, तो चलते हैं नर्गिगांटिक के क्वेस्ट पे। देख सकते हो उसने बॉम्ब प्लांट किया है। अरे यार बहुत ही गलत टाइम पे मैंने, उस टाइम में फोरसाइट लेना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं, काफी तेज अटैक था वो। ऐसे मोमेंट्स में फाइट काफी एंगेजिंग होने लगती है। तो इस चाइनीज बंदे ने अपना सबटाइटल्स इंग्लिश में डाल रखा है। पूरी टाइमिंग, मुझे लगा था जैसे ही उसने हाथ उठाया वो हाथ से अटैक करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले कि कुछ हो मैं जाके कर लेता हूं खुद को हील।
और इसी मौके में कर लेता हूँ वेपन को शार्पन। हाइडिंग का बहुत अच्छा स्पॉट मिला है। सेकेंड लेवल के, अरे यार स्लाइड अटैक करने की कोशिश करता हूं, हो नहीं पाया। काफी तेज अटैक है यार इसके, जैसे ही मैं फोरसाइट के लिए बटन दबाता हूं उसी टाइम पे वो अटैक कर देता है। नाइस सेव। और ये स्पिरिट हेल्म ब्रेकर, नाइस, बढ़िया सेव। बढ़िया शॉट था, सर पे हेल्म ब्रेकर नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। अरे यार फिर से नहीं। टाइम से खुद को हील कर लेता हूं, दूसरों को देखकर खुद को भी आ जाता है कि वेपन को भी शार्पन करना है। नाइस, तो चलते हैं फिर से नर्गस गाइगेंटस के पास। बहुत बुरा उड़ा वो बंदा। काफी दूर भाग चुका है वो, और ऐसा लग रहा है कि मेरा पावर अप भी खत्म होने वाला है। और ये बंदा भाग क्यों रहा है मेरी ये समझ नहीं आ रहा। शायद अब मैं समझ सकता हूं, इसलिए और ये हेल्म ब्रेकर सक्सेसफुल। नाइस, तो ऐसा लग रहा है नरकी कांटे का एग्रो खत्म हो चुका है। शायद नहीं, अरे यार फोरसाइट फिर से, सक्सेसफुल फोरसाइट, नाइस। हेल्थ मेरी कम हो चुकी है, और जैसे कि यार यहाँ पर देख सकते हो एक बंदे ने स्पेशलाइज्ड टूल यूज़ किया जो कि हेल्थ पूल है, जो कि मेरे पास भी है, जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट खैर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अपने पास दो हैवी हिटिंग वाले बंदे हैं, एक के पास है चार्ज ब्लेड, दूसरे के पास है ग्रेट स्वॉर्ड, तो उन्हीं को करना पड़ेगा वेकअप हिट। होपफुली इन दोनों में से ही कोई एक करे। चांसेस है कि ग्रेट स्वॉर्ड वाला करे, क्योंकि हो सकता है चार्ज ब्लेड वाले के पास ब्लेड में चार्ज ही ना हो। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, सीरियसली
किसी काम के नहीं है ये वैसे, इसलिए रैंडम्स के साथ खेल नहीं सकते क्योंकि उनको मैसेज करना भी मुश्किल है। अरे यार नरगी हाटे फिर से डाइव बॉम्ब मारने वाला है, तो बेस्ट है इसके रास्ते से हट जाओ। ओ शायद वो डाइव बॉम्ब अरीना थोड़ा बढ़ाने के लिए था। तो यार मजेदार क्वेस्ट था एक बार फिर से, और इस क्वेस्ट में कोशिश करा अपन ने कि थोड़ा टीम वर्क वगैरह करके खेले। तो यार हंटिंग में इसी चीज में मजा आता है, दूसरे लोगों के साथ भी ज्वाइन करके खेलने में। और यूजुअली अगर स्क्वाड जो है वो एक ही ग्रुप के हो, इसका मतलब कि किसी रैंडम्स के साथ अगर तुम ना खेल रहे हो तो स्क्वाड्स अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ट्राई करेगा नरगी घाटे का सर तोड़ने के लिए, कोई बंदा ट्राई करेगा उसकी पूंछ काटने के लिए, और जितने ज़्यादा पार्ट ब्रेक होएंगे उतने ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो हर यही क्वेस्ट भी हो चुका है कंप्लीट। रिवॉर्ड्स थोड़े से बेटर मिले हैं इस बार, 11 पीस 3 मिल चुके हैं, नाइस। तो पॉसिबिलिटी यह है एटलीस्ट एक इक्विपमेंट तो मैं अनलॉक कर ही सकता हूं। फिर से चलते हैं स्मिथी के पास, देखते हैं उसके पास कहने के लिए कुछ है क्या। फोर्ज इक्विपमेंट, आर्मर, और जैसा कि देख सकते हो यार तीन चीज़ों में से मैं कोई भी एक क्राफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक क्राफ्ट करने के बाद ऑब्वियसली मेरे पास जो रिसोर्सेस है वो कम हो जाएंगे। तो पहला है हेलमेट, दूसरा है चेस्ट पीस, और तीसरा है वेस्ट पीस। तो इन तीनों में से जो मैं सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद समझ रहा हूँ वो है चेस्ट पीस, क्योंकि इसमें मुझे स्टैमिना सर्ज मिल रहा है जो कि इंसेक्ट ग्लेव को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मेरा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो है वेस्ट पीस, क्योंकि उसमें मुझे मिल रहे 2 लेवल के अटैक बूस्ट। तो सबसे पहले यार मैं चेस्ट पीस ही क्राफ्ट करूँगा, और मैं चेस्ट पीस को कर लूँगा इक्विप। इक्विपमेंट यस, तो अभी नरगी गांडे के कुछ और हंट्स करने पड़ेंगे बाकी की चीज़ें इक्विप करने के लिए, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें तुम्हें दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने नरगी गांडे का जब चेस्ट पीस इक्विप किया, तो अगर तुम देख सकते हो मेरे जो स्किल्स हैं वो कुछ ऐसे स्किल्स मेरे पास कम हो गए होंगे जो मेरे पास पहले थे, जैसे कि रिकवरी अप मेरे पास शायद पहले लेवल 3 था, अभी लेवल 2 है रिकवरी अप यहाँ पर जो है। तो रिकवरी अप के लिए अगर मेरे पास कोई ज्वेल हो तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। सेट डेकोरेशन, लेकिन मुझे नहीं लगता रिकवरी के लिए मेरे पास कोई ज्वेल है फिलहाल के लिए। तो ज्वेल फार्म कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेल कैसे लाएं, उसके लिए अपने पास 2 ऑप्शंस है। पहला तो है कि मैं जाके रिसोर्स सेंटर से कुछ नए इन्वेस्टिगेशन अनलॉक करूं, या फिर कुछ ऐसे इवेंट क्वेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिकली बने ही होते हैं कि तुम ज्वेल फार्म कर सको। और उसके लिए सबसे पहला जो इवेंट क्वेस्ट है जो हाई रैंक में मुझे मिलेगा वो है द ग्रेटेस्ट जैग्रास, जो कि अनलॉक होता है लेवल 9 हाई रैंक पे। लेकिन अभी जैसे कि तुम्हें दिख रहा हो मैं लेवल 8 हाई रैंक तक हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ लेवल 8 तक ही अनलॉक्ड है। तो इसका यही मतलब है कि स्टोरी क्वेस्ट में मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा,
तो चलते हैं यार स्टोरी क्वेस्ट पे। तो पहला स्टोरी क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए बात करनी पड़ेगी मुझे हंट्समैन से या फिर फील्ड टीम लीडर से। तो बात कर लेता हूँ मैं फील्ड टीम लीडर से। फील्ड टीम लीडर बोलता है, हेलो माय फ्रेंड, देयर यू आर। वी आर स्प्लिट अप द हंटर्स इन फोर्थ एंड फिफ्थ टू मेक द सर्च फॉर द एल्डर ड्रैगन्स ट्रेल गो फास्टर। आई लाइक यू टू जॉइन अस इन द एंशिएंट फॉरेस्ट एंड लुक देयर, गैदर एनी एविडेंस यू कैन फाइंड। You can do it while you're out on expedition or during a quest. It doesn't matter either way. Based on the info we have been able to sort through, it sounds as though the evidence will spread over a wide area. When you have collected enough data, report it to the ecological research team. Keep it together, okay? Good luck out there. ठीक है? Huntsman से भी बात कर लेता हूँ। It's time. Right. हंसमैन की आवाज़ थोड़ी अलग है। राइट, टाइम टू हेड टू द वाइल्ड स्पायर वेस्ट। वी हैव गॉट एन एल्डर ड्रैगन टू ट्रैक। फ्रॉम व्हाट आई कैन गैदर, द ट्रेल इज मोर प्रोमिनेंट ऑन रॉक एंड सैंड। द प्रॉपर कोर्स वुड बी टू कंडक्ट एन एक्सपेडिशन और क्वेस्ट इनटू प्राइमरीली ड्राई एरियाज। वंस वी हैव गैदर्ड the data we need, we shall report to the scholars at ecological research. All right. Until next time, hunter. नई आवाज थी, उम्मीद करता हूं तुमको पसंद आई होगी। Let's go report to ecological research. तो ecological research वाले के पास जाके कर लेते हैं रिपोर्ट। हाँ, there you are. Good news, we have managed to work out what elder dragon has appeared in the wild spire waste. And where you can find it. Its name is Teostra, and it's as violent as they come. They call it the Emperor of Flame and the Peerless One. In the old world, it makes its home in desert and volcanic regions. I didn't expect to encounter one here. We have to study it. If I let this chance slip away, I'll never forgive myself. I told the huntsman where Teostra can be found. Talk to him if you'd like to know more. So, what is it? तो यार Teostra हो चुका है अनलॉक, तो चलता हूँ मैं Teostra के पास या फिर huntsman के पास, जैसा कि ecological research वाले ने बोला, और hopefully उसके पास मेरे लिए Teostra का quest हो। What? Teostra? So this is the elder dragon that has been stuttering about the waste. My old friend, my old enemy. It was the Emperor of the Flame that left these gashes in my armor. And now we will face each other again. Any hunter worth his salt should be grateful for a chance to test his skills against such an opponent. It's time. Are you with me? Sign up for the quest and we shall pursue Teostra to the Elder's Recess. To yaar Teostra going after will definitely put all of your skills to the test. I think you'll be okay with a full belly. Teostra ka quest aa chuka hai. Aur Teostra the Infernal सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं ये क्वेस्ट। ये एक नया एल्डर ड्रैगन है, सबसे पहला एल्डर ड्रैगन जो था नरगी गांटे। Teostra एक नया एल्डर ड्रैगन है और ये है फिलहाल वॉल्केनिक रीजन में जो कि है एल्डर्स रीसेस। होपफुली ये 9-स्टार क्वेस्ट अनलॉक कर दे जिसके बाद मैं थोड़े से डेकोरेशंस फार्म कर सकूँ। हमेशा की तरह शुरू करूँगा मैं एक मील से। हंट्समैन वैसे तो अपने से ज्यादा उम्र का है और मॉन्स्टर हंटर के यूनिवर्स में हंट्समैन यूजुअली सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। होपफुली जितने भी पहले मॉन्स्टर हंटर्स के गेम आए हैं, मॉन्स्टर हंटर 1, 2, 3 और 4,
उन सब में कैनोनिकली हंट्समैन ही था जो सबसे पावरफुल था। होपफुली इस वाले गेम में हम उसको सरपास कर सके। बट ठीक है, सबसे पहले तो यार ढूंढना पड़ेगा मशरूम, क्योंकि मेरे पास सिर्फ है एक ही कूल ड्रिंक और मुझे नहीं लगता सिर्फ एक ही कूल ड्रिंक काफ़ी होगा इस पूरे क्वेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग थर्मोडायनामिक्स है इस एरिया के। तो देखकर ही लग रहा है टेओस्ट्रा एक आग वाला ड्रैगन है। आई मीन वो बिना देखे ही क्या कहते हैं क्वेस्ट की बातों से ही पता चल रहा था जिस एरिया पे ही रहता है, जिस एनवायरनमेंट पे। अरे बाप रे, एक पंख वाला शेर, नाइस। तो टेओस्ट्रा ड्रैगन नहीं, टेओस्ट्रा बेसिकली एक शेर है। बहुत सही। तो यार इसका डिजाइन भी देख सकते हो, काफी सारे मिथोलॉजिकल क्रीचर से इंस्पायर है। सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है ग्रिफिन। लायन तो तुम देख ही पा रहे होगे, और कोई तो भी एक इजिप्शियन क्रीचर था जिसका नाम मेरे को याद नहीं है। अगर तुम्हें याद हो तो कमेंट में बताओ। Nice dodge. पहला पावर अप। दूसरा पावर अप। इंसेक्ट भी हो चुका है पावर अप, और अभी करते हैं अपना अटैक शुरू। और आ चुकी है पहली सवारी। एक जंगल के राजा के लिए कितनी डिसरिस्पेक्ट की बात होगी। वैसे टेक्निकली ये है नहीं ड्रैगन्स का राजा, बट फिर भी कहने के लिए, क्योंकि नरगी गांटे के होते हुए मुझे नहीं लगता कि ये किंग कहला सकता है, क्योंकि कैनोनिकली नरगी गांटे ईटर ऑफ द एल्डर्स है। तो चांसेस है कि नरगी गांटे इसका भी हंट करता होगा। बुरा था वो, लेकिन सर टेंडराइज हो चुका है। दिखा नहीं मेरे को वो अटैक आते हुए। शार्पनेस मेरी कम हो चुकी है। अरे बाप रे, स्टन हो चुका हूं मैं। अच्छा हुआ इसने दहाड़ दिया, नहीं तो अभी खत्म हो जाता मैं। तो यार ये जो तुम देख सकते हो कि वो पहले चिंगारियां क्रिएट करता है और उसके बाद उन चिंगारियों को आग लगा देता है, बिल्कुल ऐसे। तो इन चिंगारियों पे मैं फंसना नहीं चाहूंगा। अरे यार एनवायरनमेंट भी रैंडमली डैमेज कर रहा है। तो इस फाइट को जीतने के लिए मुझे स्किल्स और लक दोनों चाहिए। लक ने तो कभी साथ नहीं दिया, तो स्किल्स पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। बढ़िया डॉज था वो। एक और बढ़िया डॉच, और ये चढ़ चुका हूं मैं इसके ऊपर।
तो बता दूं मैं तुमको ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि टियोस्ट्रा जो है वो मैप के एक बाहर वाली रेंज में था जहाँ पर मैं जा नहीं सकता। तो जब भी ऐसा होता है कि मॉन्स्टर कोई मैप के बाहर की रेंज में चला जाए और तुम उस पर सवार हो, तो अरे बाप रे, तो उसी मोमेंट के अंदर जो है अपना प्लेयर नीचे की तरफ एक हिट करता है और एक और सवारी। तो जब भी ऐसा होता है कि अपना प्लेयर मैप के बाहर जाता हो ड्रैगन के साथ, मॉन्स्टर के साथ कहने का मतलब, तो जो थ्रेशोल्ड है वो काउंट नहीं होता। तो इसका मतलब नेक्स्ट जैसा ही हल्का सा थ्रेशोल्ड आया मॉन्स्टर के ऊपर हम फिर से सवार हो सकते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से ये छटपट आ रहा है। नाइस, यही सही मौका है अच्छा खासा डैमेज देने का। बहुत सही मार्कर बिल्ले। वैसे कहने के लिए तो मुझे वहां पर अपना वेपन शार्पन कर लेना चाहिए था। खैर कोई नहीं, वो मैं अभी कर सकता हूं। तो यार पहला फेज हो चुका है खत्म और टियोस्ट्रा कर चुका है लोकेशन चेंज। इससे पहले कर लेता हूँ थोड़ा सा हार्वेस्टिंग और चल लेता हूँ इसके पीछे। तो एक चीज़ तो समझ आ गया, स्काउट फ्लाइज का रंग तभी बदलता है जब कभी कोई एल्डर ड्रैगन दिखता हो। ब्लू का मतलब है एल्डर ड्रैगन, ग्रीन का मतलब है नॉर्मल मॉन्स्टर। बढ़िया कॉम्बो था यार वो। वो अटैक आते हुए दिखा नहीं मुझे। तो जैसा कि देख सकते हो टियोस्ट्रा के पास, अरे बाप रे, अगर मैं उसके पास होता तो चांसेस थे कि मैं वन शॉट हो जाता। लेकिन उसे भागने के लिए अच्छा खासा टाइमिंग था, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर से ट्राई करते इसके ऊपर सवार होने की। नाइस, यार यही चीज मुझे बहुत अजीब लगता है, शार्पनेस वेपन की बहुत जल्दी खत्म हो रही है। तो वेपन की शार्पनेस यूजुअली हैंडीक्राफ्ट लेने से बढ़ती है। इसका मतलब है कि वेपन की शार्पनेस का जो मीटर है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन हैंडीक्राफ्ट स्किल अभी तक सिर्फ एक ही आर्मर पे था, लेकिन उस आर्मर का डिफेंस कम था, तो मुझे नहीं लगता उस आर्मर के साथ जाना कोई सही चीज है। थोड़ा डिस्टेंस लेना पड़ेगा क्योंकि शार्पनेस वैसे ही बहुत कम हो चुकी है। नाइस, जब तक वो हवा में आग फेंकता रहे। अरे बाप रे, नरगी कांटे का डाइव बॉम्ब था वो बेसिकली। तो बांकर बिल्ला उसको संभाल रहा है, उतने ही टाइम में मैं कर लेता हूँ अपने वेपन को शार्पन। सारे पावर अप्स कर लिया है मैंने कलेक्ट। टियोस्ट्रा को शायद मैं अभी वॉल बैंक कर सकता हूँ क्योंकि उसका एग्रो थोड़ा कम हो चुका है।
Nice. एक अच्छा हेड हिट मुझे नहीं मिला, लेकिन असरा को आ चुका है फिर से गुस्सा। तो यार देखा वो मैंने क्या किया, उसने नीचे चिंगारियां छोड़ी तो मैं हवा में चला गया और इसकी वजह से उसकी चिंगारियों का अटैक मेरे पर लगे नहीं। थियोस्ट्रा के पास रहने पर ही मेरे को फायर डैमेज लग रहा है, जो कि एक और बहुत ही ज्यादा अनोइंग चीज है। पावर अप्स मेरे खत्म हो चुके हैं, थियोस्ट्रा को वेकअप हिट देना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वॉल्केनिक रीजन में पास में कोई पत्थर वगैरह है जहाँ पर इसको मैं वॉल बैंक दे सकूँ, तो बेस्ट है इसको एक वेकअप हिट दूँ। पोजीशनिंग कर लेता हूँ खुद की और ये नाइस, बढ़िया वेकअप हिट था, एक ही बार में स्टन हो गया ये बंदा। तो देख सकते हो साइड में कूल ड्रिंक्स इफेक्ट्स हैव वॉर्न ऑफ, तो अभी हेल्थ और भी पैसिवली ड्रेन होएगी। अरे यार पैसिवली ड्रेन होना था, एक्टिवली नहीं। हाँ बहुत ही बुरी टाइमिंग, बहुत ही बुरा हाल। सबसे पहले तो मैं कूल ड्रिंक के इफेक्ट पे ही पैनिक कर गया, देखता हूँ फिर से रेडी है कि नहीं। सेकेंड टाइम पे खाना खाने पर मुझे इतने ज़्यादा पावर अप्स मिल नहीं रहे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट स्टैमिना बढ़ाने के लिए। और बाकी स्टैमिना बढ़ाने के लिए एक रेशन। हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल ही गया, अगर तुम्हें याद होगा सबसे पहले कुछ पोशंस यहाँ पर नहीं है, तो शायद मैं इस क्वेस्ट के बाद उस चीज़ के बारे में बताऊँ कि कुछ ऐसे पोशंस वगैरह होते हैं जिनको मैक्स पोशन कहते हैं और उन्हें क्राफ्ट करने पर चाहे कितनी बार भी मरो हेल्थ बार जो है वो पूरा 100% पर आ जाता है। तो कोशिश करेंगे इस क्वेस्ट के बाद उनको क्राफ्ट करने के लिए। तो ये मैंने पी लिया है कूल ड्रिंक, जाऊंगा फिर से मैं थियोस्ट्रा के पास क्योंकि इतनी दूर आ चुका हूँ, पीछे मुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही गलत टाइम पे कूल ड्रिंक का इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया, तो मैं कहूँगा जो सबसे पहला जो पैनिक था वो उसी में ही आया, अदरवाइज थियोस्ट्रा ऑलमोस्ट डेड था। और दूसरा पैनिक तब आया जब मेरे वेपन की शार्पनेस एकदम ख़त्म हो गई थी, अभी भी ख़त्म है, मैंने अभी तक उसको शार्पन नहीं किया। अच्छा वह याद आया, खैर तो वेपन शार्पेंड है, कूल ड्रिंक तैयार है, हेल्थ कम है लेकिन मैनेज करने की कोशिश करूँगा। तो यार पहुँच चुका हूँ मैं थियोस्ट्रा के पास, चार्ज कर लिया मैंने अपना इंसेक्ट और ये बूम नाइस, ले लूंगा पावर अप। अरे यार एनवायरनमेंट पे अटैक, थियोस्ट्रा की तरफ से अटैक फिर से खत्म में लगता है। लगता है ये क्वेस्ट में फेल मारने वाला हूँ, खैर कोई दिक्कत नहीं एक बार फिर से कोशिश करूँगा।
इस बार वेपन चेंज करके थोड़ा डिफेंसिव वेपन लेके खेलता हूँ मैं, या फिर ऑफेंस पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। फिर से टेओस्ट्रा को वेकअप हिट दे के जगाऊंगा। तो यार तीन बार अगर मैं मरता हूँ तो क्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है, जितने भी रिवॉर्ड्स वगैरह है, जितने भी सब कुछ है वो सब कैंसिल हो जाते हैं। तो कोशिश करूँगा कि इस बार थोड़ा संभल के खेलूँ। आधे टाइम तो मेरा लक साथ नहीं है, एनवायरमेंटल डैमेज से जहाँ से वॉल्केनो जस्ट निकला, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वहाँ से वॉल्केनो निकले। और जैसे ही वॉल्केनो निकला, जैसे ही मैं रिकवर हुआ, उसी टाइम टेओस्ट्रा ने अटैक किया। खैर, जैसा कि मैंने क्वेस्ट के एकदम शुरू पे कहा था, स्किल्स और लक दोनों चाहिए, और दूसरी चीज़ मेरा कभी साथ नहीं देती, बट स्किल्स ही बहुत है अपने लिए। एम्बर डिपॉजिट है, इसको मैं कर लेता हूँ कलेक्ट। एक रेशन भी ले लेता हूँ ताकि स्टैमिना थोड़ा सा बूस्टअप हो सके। और टेओस्ट्रा का मैं ट्राई करूँगा एक वेकअप हिट देने की। ये नाइस। तो यार बढ़िया वेकअप हिटता वो। एक और बार एक ट्रू चार्ज स्लैश ट्राई करते हैं, एक दो और ये नाइस। कर लेता हूं मैं डाइव बॉम्ब ताकि इसके अटैक को मिटिगेट कर सकूं। और टेओस्ट्रा खत्म। काफी फन हंट था वो। खासकर तब जब लक ने ज्यादा साथ दिया नहीं, इनफैक्ट लक मेरे अगेंस्ट था, बट ठीक है, अंत भला तो हो भला। तो यार टेओस्ट्रा हो चुका है खत्म, 30 सेकंड बचे हैं, तब तक मैं कर लेता हूँ कुछ हार्वेस्टिंग। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि इन एम्बर वगैरह से होता क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये चीज काम आ सकता है, इसलिए इनको अपने पास ही रखूंगा। 10 सेकंड बचते हैं, देखते हैं इनको हार्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं। यस, नाइस। कहने के लिए स्मूथ था, लेकिन हंट इतना बुरा नहीं था। चलो ठीक है, आगे की कोशिशों में कोशिश करूंगा कि थोड़ा और स्मूथ हंट जाए। पहले देख लेते हैं कि टेओस्ट्रा से रिलेटेड कोई नया आर्मर वगैरह अनलॉक हुआ कि नहीं। तो चल लेते हैं एक बार स्मिथी के पास। फोर्ज इक्विपमेंट, आर्मर, टेओस्ट्रा, ओके। तो देख लेते हैं इसके पास क्या क्या स्किल्स है। लेटेंट पावर, स्पेशल एमो बूस्ट, वीकनेस एक्सप्लॉइट, ब्लास्ट अटैक। और इसका जो आर्मर स्किल है टेओस्ट्रा के तीन पीसेस पहनने पर, वो है मास्टर्स टच। और मास्टर्स टच से मिलता है प्रिवेंट्स योर वेपन्स फ्रॉम लूजिंग शार्पनेस ड्यूरिंग क्रिटिकल हिट्स। हर हिट जो है वो क्रिटिकल हिट नहीं होता, तो इसका ये मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं हिट करता हूँ तो चांसेस है कि शार्पनेस लूज हो, तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कोशिश करूँगा कि नरगी कांटे का ही आर्मर सबसे पहले बनाऊँ। तो देखते हैं कि ऑप्शनल क्वेस्ट में लेवल 9 अनलॉक हुआ कि नहीं। और लेवल 9 अनलॉक हो चुका है। लेवल 9 है या 8 है,
8 है ये तो इसका मतलब अनलॉक हुआ नहीं है वो। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो दो चीज़ें और अगर तुमको याद होगी लास्ट वाले एपिसोड पे डेविल जो के लिए कोई तो भी एक क्वेस्ट आया था, तो देखते हैं यहाँ पर कि डेविल जो का क्वेस्ट यहाँ पर मिलता है कि नहीं। लेकिन उसको पाने के लिए सबसे पहले तो थर्ड फ्लीट के मास्टर से बात करनी पड़ी होगी। तो चलते हैं एक बार रिसर्च बेस पे। बात कर लेते एक बार थर्ड फ्लीट मास्टर से, या फिर रिसर्च बेस में देखता हूँ कोई ब्लू आइकन तो नहीं है। खैर ओके तो ये कहते हैं देयर यू आर, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, ऑफ टू द रोटन वेल टू लुक फॉर एन एल्डर ड्रैगन। अच्छा तो ये डेविल जो का क्वेस्ट नहीं है। द एडमिरल वॉज जस्ट हियर एंड टोल्ड मी ऑल अबाउट इट। वेल अलाउ मी टू फिल यू इन, द एफ्लुवियम इन द वेल हैज बीन getting denser, okay? That woman over there is the one who's discovering it, who discovered it while she was out investigating. Thankfully, she alerted me to the anomaly at once. We have observed this phenomenon once before, back when the Third Fleet and I first arrived. We determined that a monster must be lurking at the center of the effluvium. So chances are, the Elder Dragon you are seeking is one lurking in the effluvium. Let's not waste any time. You'll find the evidence at the bottom of the veil. Once you have collected enough, report it to the ecological research team. All right, good. So yaar, ek aur Elder Dragon ka quest hai. Lekin isse pehle mujhe Devil Joe ke quest mein jana hai. Aur mujhe samajh nahi aa raha Devil Joe wale bande kahan par hai. और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो तीन क्वेस्ट के मार्कर्स बने हुए हैं, एक रोटन वेल पे, एक एंशिएंट फॉरेस्ट पे और बाकी दो एस्टेरा और रिसर्च बेस पे। तो जो ये रिसर्च बेस और एस्टेरा है वो तो अपने बेसिकली कैंप साइट्स है, तो वहाँ पर क्वेस्ट वगैरह जो है वो तो आते रहते हैं। लेकिन अगर किसी किसी अरीना मैप में जहाँ पर मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं वहाँ पर अगर ऐसे आइकन्स आए रेड वाले क्वेस्ट वाले आइकन्स, तो इसका मतलब है वहाँ पर कुछ ना कुछ फिशी चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट फॉरेस्ट के इन्वेस्टिगेशन से, देखते हैं अपने लिए क्या खुदा हुआ है। और जितना मुझे लगता है हैंडलर ने ही अपने लिए कोई नया क्वेस्ट खोद कर रखा होगा, क्योंकि हैंडलर के हाथ यूजुअली खुद के जेब में रहते नहीं है। खैर शुरू करते हैं एंशिएंट क्वेस्ट का क्वेस्ट, एंशिएंट फॉरेस्ट का क्वेस्ट। हैंडलर से बात करके देखते हैं। हाँ कुछ है नहीं वैसे, तो इसका मतलब यह है एक्सपीडिशन या फिर इन्वेस्टिगेशन मुझे ही करना पड़ेगा। तो शुरू करते उसी चीज से। इन द मीनवाइल मैं अपने लिए कुछ रिसोर्सेस भी कलेक्ट कर लूँगा, लेकिन उससे पहले एक एप्टनॉथ को ख़त्म करूँगा ताकि मैं ये भी कर सकता था, ये मुझे नहीं पता था। नाइस देखता हूँ अगर मैं मैप में कहीं पर मार्क करता हूँ तो ये मुझे वहाँ तक लेके जाता है कि नहीं। और मुझे नहीं लगता ऐसा होगा तो इग्नोर करो इसको। तो एक फुटप्रिंट मिला है मुझे। ओह एल्डर ड्रैगन एविडेंस, नाइस। तो रॉ मीट में कलेक्ट कर लेता हूँ और बेकरी ओपन करता हूँ अपना, मेरा मतलब बारबेक्यू। I think that about does it for Elder Dragon evidence here in the forest. Huh. Let's report back to the
ecological research team. काफी जल्दी एविडेंस कलेक्ट हो गया. इसके दो मतलब हो सकते हैं कि अगर तुम्हें याद होगा सबसे पहले या फिर इसके दो एपिसोड पहले मुझे कुछ विंड स्वेप्ट मार्क्स मिले थे इसी एरिया पे, तो जितना मैंने उसको कलेक्ट किया उस हिसाब से जो रिसर्च है एल्डर ड्रैगन का वो उतना ज़्यादा बढ़ता गया. और उसी रीज़न के लिए सिर्फ दो फुटप्रिंट्स कलेक्ट करने पर ही इस एल्डर ड्रैगन का इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया. तो इकोलॉजिकल वाले को कर लेता हूँ मैं रिपोर्ट. एल्डर ड्रैगन्स नेम इज कुश. अच्छा, एल्डर ड्रैगन्स नेम इज कुशाला डाओरा. दैट्स राइट, द टेम्पेस्ट ऑफ द विंड, द कमांड ऑफ वाइट टेरिटोरी. सो यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ मेनी साइटिंग्स इन द ओल्ड वर्ल्ड और साइटेड अ फ्यू योरसेल्फ. इफ वन इज लिविंग हियर इन द न्यू वर्ल्ड then we have to study it. We simply must. I told the commander's grandson where it can be found. Same dialogue. ठीक है. तो यार usually इनका भी dialogue का pattern ऐसा ही है कि जब भी कोई नया dragon मिलता है सिर्फ उसी के बारे में जो dialogue होता है वो अलग होता है और बाकी dialogue वही repetitive same होते हैं. खैर दो elder dragons की वो एल्डर ड्रैगन्स के फुटप्रिंट्स मिल चुके हैं या फिर क्लूज मिल चुके हैं कह सकते हो, तो बात कर लेते हैं इससे. द स्कॉलर्स फ्रॉम द इकोलॉजिकल रिसर्च टीम हैव टोल्ड अस वेयर वी विल फाइंड कुशाला डाओरा. इट्स इन द एल्डर्स रीसेस. इट मस्ट हैव लेफ्ट द एंशिएंट फॉरेस्ट एंड रिटर्न टू इट्स रूट्स, व्हिच इज गुड न्यूज एक्चुअली, सिंस वी डोंट वॉन्ट दैट थिंग एनीवेयर नियर बेस. All of the details are in the quest I've put together. Be careful. The rest of the field team are on their way. Join us as soon as you can. तो Tempest of the Wind. नाम से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी जो मेन पावर है वो विंड है और इस गेम में विंड से डैमेज तो होगा ही ड्रैगन से लड़ते टाइम, लेकिन इस गेम में विंड प्रेशर नाम की भी एक और चीज़ है जो कि बाकी के डायनासोर्स और बाकी के ड्रैगन्स फिर कहने के लिए बाकी के मॉन्स्टर्स के साथ भी था. तो हो सकता है कि इसके पास सबसे ज़्यादा विंड प्रेशर हो. ड्रैगन ऑफ स्टील, ठीक है, कर लेते हैं क्वेस्ट को एक्सेप्ट. और क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा विंड प्रेशर है तो इसको डॉज करने के लिए मैं लेता हूँ लॉन्ग स्वॉर्ड. लॉन्ग स्वॉर्ड उठाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे काउंटर्स लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ किए जा सकते हैं और मैं देखना चाहूँगा कि विंड प्रेशर को काउंटर किया जा सकता है कि नहीं. देख लेता हूँ बॉटली भी कुछ है कि नहीं. काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी है. नाइस, स्काउट फ्लाइज भी अभी बढ़िया से रास्ता दिखा रहे हैं. जरा एक सेकेंड रुक करके अगर मैं इस एनवायरनमेंट को देखूं तो दिखने में ऐसा नहीं लगता कि ये एनवायरनमेंट नेचुरल मेड है. और जैसा कि इन कर्व्स को देख करके तुम्हें लग ही रहा होगा ये चीज़ें किस तरीके से बनी हुई हो सकती है, स्पेशली अगर ये उरागान का हैबिटेट है तो. राइट, तो हैबिटेट के हिसाब से देखोगे कि किस किस टाइप के मॉन्स्टर्स यहाँ पर रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है. काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग करी गई है. खैर वर्ल्ड की तारीफ इतनी ही, चलते हैं कुशाला डाओरा के पास और पहुँच गए. नाइस,
हंटर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे इसने वो क्रिस्टल पहली बार देखा हो? अब कहीं ऐसा ना हो एक ऐसा ड्रैगन मिल जाए जो गोलियां मारता हो, वो भी क्रिस्टल से। नहीं, ये शायद भवंडर छोड़ता है, और ये भवंडर क्रिएट भी कर रहा है। ओके, तो यही है वो ड्रैगन जो एंशिएंट, जिसकी शैडो मुझे एंशिएंट फॉरेस्ट में दिखी थी लास्ट एपिसोड पे। ऑलराइट, वॉच दैट विंड। तो विंड से डैमेज भी, अरे अरे, तीन अटैक के बाद मैं स्टन हो चुका हूं। खैर कोई दिक्कत नहीं, बेशर्मों की तरह फिर से हील करूंगा और चल दूंगा इसके पीछे। इससे पहले मैं कुछ स्लिंगर एमो कलेक्ट कर लेता हूं ताकि एटलीस्ट एक वॉल बैंग मिल सके। कुशाला डोर अभी तक उधर ही खड़ा है, या फिर खड़ी है, पता नहीं। ड्रैगन के नाम से तो ड्रैगन फीमेल लग रहा है। और ये वॉल बैंक, नाइस। मौका मिलते ही कर दूंगा मैं टिंडराइस एक और बार। फोरसाइट के लिए टाइम कम था। बहुत ही बढ़िया डॉज। सुपरमैन डाइव करना पड़ा क्योंकि डॉज के लिए थोड़ा पैनिक हो गया था मैं। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके लिए इंसेक्ट ग्लेव लाना चाहिए था, क्योंकि ये जमीन पे उतरने का नाम ही नहीं था। अरे हो गया भाई, नाइस। ओके, तो विंड को मैं फोरसाइट कर नहीं सकता, या फिर मैंने गलत टाइम पे फोरसाइट किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, फोरसाइट किया जा सकता है, मैंने बस गलत टाइम पे किया था। फिर से गलत टाइमिंग। नाइस, फोरसाइट एक और बार। शायद मैं इसको एक बॉल बैंक दे सकता हूं। नाइस, वेपन की शार्पनेस यार इसी टाइम पे कम होनी थी। विंड प्रेशर, पहले खुद को हील कर लूंगा। एक और बार,
अरे नहीं, लगता है फिर से गेम ओवर होने वाला है और ये विंड प्रेशर ने फिर से कुछ ज्यादा ही खूंखार लग रहा है ये। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये फाइट मुश्किल है, फाइट थोड़ी अनोइंग है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि विंड प्रेशर के जो हिट बॉक्सेस है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहे कैसे हैं। बुरी टाइमिंग। थैंक्स बिल्ले। ओके, क्योंकि इसके इर्द गिर्द विंड है, मैं इस पर चढ़ भी नहीं सकता। नाइस नाइस नाइस, पता नहीं मैं चढ़ा कैसे, मुझे लगा नहीं था कि मैं चढ़ पाऊंगा, बट अच्छा है, इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। एक स्टन, उसके बाद जैसे ही नीचे गिरे इसके शक्ल पे मारूंगा मैं। नाइस, शार्पनेस भी भरपूर है इस बार। एक हेल्म ब्रेकर प्लीज, प्लीज गेम प्लीज। नहीं नहीं, नाइस नाइस, एकदम मुंह पे पड़ा है हेल्म ब्रेकर, बढ़िया। नाइस फोरसाइट, लेकिन फोरसाइट कनेक्ट नहीं हुआ, और ये हो गया फोरसाइट कनेक्ट। ब्रेकर, नाइस, मौका रहता ही शार्पन। काफी टाइम है मेरे पास हेल्म ब्रेकर के लिए। ओह, डॉज रोल नहीं हो पाया, फिर से नहीं हो पाया, फिर से आई फ्रेम नहीं कर पाया, और ये आ गया विंड प्रेशर इसी टाइम पे। विंड प्रेशर तक मुझे ठीक लगता है, लेकिन विंड प्रेशर के बाद उसका रिकवरी एनिमेशन होता है उसी टाइम के बीच, आई मीन बहुत ही ज्यादा एनॉइंग होने लगता है फिर। तो यार टाइम काफ़ी निकल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने उसको ज़्यादा डैमेज दे पाया। तो इस एरिया पे आ चुका है, तो मैं इक्विप कर लेता हूँ अपना गिली मेंटल और कोशिश करता हूँ वो बड़े बड़े पत्थर इसके ऊपर गिराने की। ओके, ये बुरा हुआ, इसको मैं नाइस पोजीशन पे है। हेल्म ब्रेकर, और कुशाला डाउरा हो चुका है कमजोर।
थोड़ी सी संतुष्टि मिली मुझे। तो यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुशाला डाओरा से लड़ने के लिए कंटिन्यूअस अटैक नहीं, बड़े अटैक्स की ज़रूरत है। तो इसका मतलब लॉन्ग स्वॉर्ड इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बुरा मैचअप है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि परफेक्ट मैचअप नहीं है, क्योंकि कुशाला के लिए परफेक्ट मैचअप अगर मैं कुछ कहूँ तो वो हो सकता है ग्रेट स्वॉर्ड, या फिर कह सकते हो सकता है लांस। और अगर लॉन्ग रेंज वेपन यूज़ करने वाला कोई हो तुम में से तो उड़ते हुए को भी ऊपर से गिरा सकते हो, बट ठीक है क्योंकि लॉन्ग शॉट लेकर आया हूँ मैं, तो कोशिश करूँगा इसी से एडजस्ट करने की। वॉल बैंक तो नहीं दे सकता लेकिन पोडियम से नीचे गिरा सकता हूँ, और यही मौका मैं लूंगा ब्लेड को चार्ज करने के लिए। और डावरो को आ चुका है गुस्सा। अरे बाप रे, अगर इसी तरीके से भवंडर क्रिएट करता रहा है, 1 2 3 मेरे पास खड़े रहने के लिए जगह नहीं होगी यार। क्या हो अगर मैं इसके ऊपर आसपास भी नहीं आ सकता क्योंकि विंड प्रेशर से मैं धकेला जाऊंगा। बहुत ही बुरी टाइमिंग। एक और, अरे यार कितने भवंडर। हेल्म ब्रेकर, नाइस, थोड़ी टाइमिंग बची है, बढ़िया। बहुत ही छोटा विंडो था हेल्म ब्रेकर का, बहुत ही ज्यादा एनॉइंग फाइट था ये। मुश्किल नहीं कहूंगा क्योंकि इस ड्रैगन के पास ज्यादा मूव्स थे नहीं, आई मीन उसके मूव्स ही टेक्निकली एनॉइंग में काउंट होंगे। कहीं पर भी पाद मार के भवंडर क्रिएट करना। बट यार कुशाला डावरा हो चुका है खत्म, बहुत ही टिपिकल ड्रैगन डिजाइन है इसका बाकी के रोस्टर से। और इसी के साथ एक और ड्रैगन बचता है, वो है रॉटन वेल पे, तो उसके लिए अलग से अभी फुटप्रिंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। वाइटैलिटी ज्वेल, तो यार वाइटैलिटी ज्वेल का बेसिकली होता है हेल्थ बूस्ट, जो पैसिव स्किल है वो इनेबल हो जाता है। इसका मतलब अगर कोई ऐसा आर्मर है जो तुम्हें ट्रिपल लेवल हेल्थ बूस्ट देता ना हो लेकिन उसमें एक स्लॉट हो तो तुम वो स्लॉट उसमें प्लग इन करके हेल्थ बूस्ट ले सकते हो। तो कमांडर कहते हैं, सो यूर बैक, गुड, आई सी योर एल्डर ड्रैगन इन्वेस्टिगेशन वेंट स्मूथली। You're doing some fine work for us out in the field, better than anyone we have ever put out there. For now, get some rest, okay? You can handle the remaining Elder Dragons later. By the way, there's something I've been meaning to talk to you about. I've discussed it with the scholars a number of times now, but we still can't determine why the Elder Dragons are riled up, even though we have gotten rid of Nurki Gante. The only thing we all seem to agree on is that something extremely out of the ordinary must be unfolding. Which means that there must be something causing it, even if we haven't been able to identify what just yet. So, what's the reason?
Why are the Elder Dragons regrouping in their Elder's Recess instead of staying dispersed? Is there something there? I wonder. And if so, perhaps that could be what my friend has been searching for all this time. तो यार ये सो कॉल्ड फ्रेंड कौन है इसका? खैर जो भी है, देखता हूँ अभी ऑप्शनल क्वेस्ट में लेवल 9 क्वेस्ट नहीं, अभी भी अनलॉक नहीं हुए। खैर तो यार आज के एपिसोड को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो यार आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आज का एपिसोड तुम्हें कैसा लगा, आज के एल्डर ड्रैगन्स तुमको कैसे लगे, और मैं तुम्हें मिलूँगा अगले एपिसोड पे। बाय बाय।